आप देख रहे हैं टी न्यूज उत्तर प्रदेश, द नेटवर्क ऑफ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। गोरखपुर साहित्यकार समाज के दर्पण हैं, वे समाज को नई दिशा देते हैं। उक्त बातें आधारशिला द्वारा बंगाल से आए 3 साहित्यकारों के सम्मान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि ने कहा। वरिष्ठ साहित्यकार एवं पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय प्रोफेसर अनंत मिश्रा ने कहा। विशिष्ट अतिथि पूर्व निर्देशक प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अलक राय ने कहा कि कवि और साहित्यकार समाज के दर्पण होते हैं, उनका सम्मान जरूरी है। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे ने कहा कि साहित्य कला संस्कृत संरक्षण के क्षेत्र में बंगाल काफी आगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते सुप्रसिद्ध होम्यो चिकित्सक डॉक्टर रूप कुमार पनर्जी ने कहा कि आधारशिला सदैव साहित्यकार कवि रंगकर्मियों का सम्मान करती आ रही है। आज बंगाल के 3 कवि और साहित्यकार को सम्मानित करना हमारे लिए गर्व का विषय है। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता वरिष्ठ रंगकर्मी तमाल आचार्य एवं बंगाल साहित्यकार प्रदीप कुमार ने कहा कि साहित्यकार एवं कवि समाज के अच्छे बुरे गतिविधियों एवं कार्यों को अपने लेखन के माध्यम से समाज के सभी वर्ग को जागरूक करने का कार्य करते हैं। इसके पूर्व मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर अनंत मिश्रा, विशिष्ट अतिथि प्रो अलर्क राय, डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे, डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी, चैताली बनर्जी एवं दीपक चक्रवर्ती निशांत ने बंगाल से आए साहित्यकार एवं कवि श्रीमती रानू राय, श्रीमती बेबी करफरमा एवं श्री पवन कुमारी साहा अंग वस्त्र सम्मान पात्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किया। विशेष रूप से आधारशिला के सलाहकार शिक्षाविद डॉक्टर राजेश चंद्र गुप्ता ने अपनी लिखी एक पुस्तक सम्मान प्राप्त साहित्यकारों को भेंट किया। कार्यक्रम का सफल संचालन श्रीमती चैताली बनर्जी ने किया। इस दौरान श्रीमती अनीता शुक्ला, श्रीमती प्रतिमा चक्रवर्ती, वीरेंद्र पाल, श्रीमती सारिका राय, वीरेंद्र कुमार सिंह, सत्य शरण दास, विष्णुदेव शर्मा, अशोक देव नीलू, रामानंद, दिव्यौंदु बराट, संजय श्रीवास्तव, संजय पांडे, विनय कुमार शर्मा, वेद प्रकाश आदि का सहयोग रहा। आप गोरखपुर में है, मुस्कुराइए, आप गोरखपुर में है। वो गोरखपुर क्या जी, वर्ड गोरखपुर, गोरखपुर है जहाँ बुद्ध दर्शन आपके हाथ में है। बुद्धदेव जी ने अंतिम सांस लिया था जो कुशीनगर में, आज भी वो स्थित है। आप उसको जाके दर्शन करेंगे, उसका चरण वंदना करेंगे, नमन करेंगे। विश्व शांति के पहला वन एंड ओनली जिन्होंने सारा दुनिया भ्रमण किया और सारा दुनिया को शांति का पाठ सिखाया, आप उस गोरखपुर में है। आप गर्व अनुभव करेंगे इस गोरखपुर में। आपने कविता और गर्व कहानी ये सब की बात कर रहे थे। इस धरती में विराट गोरखपुरी का जन्म हुआ, किसी ने बताया नहीं, हम आपको याद दिला रहे हैं। आई एम आदित्री सिंह, आई एम स्मॉल एंकर। नमस्ते मैम, मेरा नाम आदित्री है। तो आपको गोरखपुर में आके कैसा लगा? मैंने ये पहली बार आपका गोरखपुर में आया। ये गोरखपुर वो गोरखपुर है, जब हम आपका मपी छोटा था तब गोरखपुर क्या है, एक सपना था हमारा, आपको में एक सपना था कि कभी जाएंगे। एक तो है गोरखपुर, गोरखो टेम्पल के लिए, और गोरखपुर ये तो इतिहास प्रसिद्ध जगह है। यही गोरखपुर में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, यही से सम्मानित होके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सबको शुभकामना देती हूँ जो लोग प्रोग्राम अरेंज किया हमको, हम लोग को इधर बुलाने के लिए। नमस्ते, बोलिए। धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।